दोस्तों स्वागत है आपका होम टॉपिक्स डिजाइन पर। दोस्तों ट्रायंगल के लेक्चर नंबर 32 में आपको बताऊंगा कि माध्यिका क्या होती है, किसे कहते हैं, इसका गुण क्या है, इससे संबंधित किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है। इससे मतलब माध्यिका से संबंधित किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है सब बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए सब बताऊंगा। यदि हम माध्यिका के कॉन्सेप्ट की बात करें तो माध्यिका के बहुत कॉन्सेप्ट, इसलिए आपको माध्यिका के 4-5 वीडियो मिलेंगे जिसमें टोटल कॉन्सेप्ट आपको माध्यिका का मिल जाएगा। इसके पहले आपको हम ट्रायंगल के 31 वीडियो दे चुके हैं जिसका प्लेलिस्ट बना है, प्लेलिस्ट में जाएंगे सब वीडियो आपको स्टेप टू स्टेप मिल जाएगा। जितने वीडियो हैं सबका प्लेलिस्ट बना है। तो चलिए पहले आप सुनिए कि माध्यिका क्या होती है, पहले सुनिएगा, अभी यहाँ पर हम लिखेंगे उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यान सुनिए, किसी भुजा को बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा ही माध्यिका कहलाती है। किसी भुजा को बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा ही माध्यिका कहलाती है। एक बार फिर से सुनिए, किसी भुजा को बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा ही माध्यिका कहलाती है। याद हो गया? चलिए अब आप लिखिए, किसी भुजा को बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा ही माध्यिका कहलाती है। माध्यिका जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं मीडियन, माध्यिका कहलाती है। ये डिफिनेशन हो गया, ठीक है। कोई भी लाइन, एक दूसरी लाइन उसको कोई दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे तो वही माध्यिका कहलाएगी। जैसे हम देखते हैं ट्रायंगल लेकर के, कोई ट्रायंगल ले लीजिए, एक ट्रायंगल ले लेता हूँ एबीसी, ठीक ना, एक ट्रायंगल एबीसी ले लेता हूँ, ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल दीजिएगा, ये क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है, कोई ट्रायंगल आप पी क्यू आर ले सकते हैं। ओके, देखो डिफिनेशन लिख दिया गया, अब इसको हम ट्रायंगल में कैसे समझेंगे ग्राफ से। देखिए यही है, अब शीर्ष से सामने वाली भुजा डाल दें, जो दो बराबर में बांट दें वही माध्यिका हो जाएगी। तो अगर यहाँ से मान लीजिए मिल गया, ठीक ना, अब देखिए दो इक्वल पार्ट मर गया, जितना इधर है उतना इधर है, ठीक। तो यहाँ पर डी मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, डी। ये देखिएगा, जो ए डी है बी सी को बराबर में बांट दिया तो ए डी क्या हो गया, माध्यिका हो गई, क्या हो गई, माध्यिका हो गई। और यहाँ देखिएगा ध्यान से, देख रहे हैं ना, माध्यिका ये हो गया ई, क्या हो गया ई, ये इसको बराबर में बांट दी। ओके क्लियर, देख रहे हैं आप, जो बी ई है ए सी को बराबर में बांट दी तो ये भी माध्यिका हो जाएगी। अब यहां से जो ये होगा, देख रहे ना, यहाँ पे ये भी बराबर भागों में क्या हुआ, बट गया, इसको मान लेता हूँ यह, क्या मान लेता हूँ, तो माध्यिका हो गई, माध्यिका हो गई। अब यहाँ पे देखिए एक दूसरे को काटी नहीं, काटी है तो किसी भी त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती हैं, तीन, किसी भी त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं होती हैं। देखिए हम बना दिए, यहाँ पर लिख लीजिए आप, क्या लिखेंगे आप, लिख लीजिए कि त्रिभुज अर्थात करके दिए या यह लिख लीजिए ती लगा के, त्रिभुज ए बी सी में ए डी बी ई तथा सी एफ माध्यिकाएं हैं, क्या है, माध्यिकाएं हैं। कोई दिक्कत है समझने में, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलेंगे प्रॉपर्टी पर, किस पर चलेंगे, प्रॉपर्टी पर, गुण, फिर डालिए माध्यिका के गुण। म
माध्यिका के गुण। योग्य ओके ध्यान सुनिएगा, इसके जो गुण है कई गुण है, तो पहला गुण क्या है ध्यान सुनिए कि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पर सबसे छोटी माध्यिका होती है, सबसे छोटी भुजा पर सबसे बड़ी माध्यिका होती है। ये प्रॉपर्टी लिखेंगे आप, नंबर एक किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पर सबसे छोटी माध्यिका होती है, दूसरा क्या लिखेंगे आप, देखिए एकदम उल्टा है, सबसे छोटी भुजा पर सबसे बड़ी और सबसे बड़ी पर सबसे छोटी। तो आप लिखें किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पर सबसे छोटी माध्यिका होती है। अब लिखिए सबसे छोटी भुजा पर ना, कहेंगे किसी त्रिभुज में सबसे, देखिए यहाँ पर बड़ी लिख चुका हूँ, अब छोटी लिखने जा रहा हूँ, सबसे बड़ी माध्यिका होती है। अभी एक बार आपको हम क्वेश्चन लगवाऊंगा, ठीक है ना, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, सबसे बड़ी भुजा पर सबसे छोटी और सबसे छोटी भुजा पर सबसे बड़ी माध्यिका होती है। अब माध्यिका हम कैसे ज्ञात करेंगे, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है तो माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे, तो तीसरा देख लेंगे आप, लेकिन क्या माध्यिका की लंबाई, तो तीनों माध्यिका है, तीन माध्यिका होती है तो तीनों की लंबाई कैसे निकालेंगे। अब इसमें हम पार्ट एक डाल दे रहा हूँ, पहली माध्यिका के लिए, दूसरी माध्यिका के लिए, और ये क्या हो जाएगा तीसरी माध्यिका के लिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। देखिए जो ये भुजा है जो शीर्ष आपका है, इसके सामने वाली भुजा जो बी सी है, इसको मान लेता हूँ ए, क्या मान लेता हूँ ए, ये मान लेता हूँ ए, यहाँ से यहाँ तक ए है, क्या है ए, कोई दिक्कत है। और जो बी के सामने वाली क्या मान लेता हूँ स्मॉल बी, यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल बी, इसको सी मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ सी, यहाँ से यहाँ तक, ये तो एफ है ही, ये इसको एफ है, यहाँ पे कोई दिक्कत है। एक सामने वाली ए सेंटीमीटर, बी सामने वाली बी, सी सामने वाली सी, ये कैपिटल में है, क्या है स्मॉल में, ओके। किसी त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा पर, यहाँ पे देखिए सबसे जो बड़ी था छोटी आ गया, और जहाँ पे देखिए छोटी वहाँ क्या हो गया बड़ी हो गया, क्या हो गया बड़ी, यही आपको देखना है, ठीक ओके। चलिए तो अब माध्यिका की लंबाई क्या होती है, लिखेंगे माध्यिका एडी है ना, एडी, तो यहाँ पर लिखेंगे एडी इक्वल टू, एडी बराबर एक बट्टे दो अंडर रूट स्क्वायर रूट जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, स्क्वायर रूट। देखिए त्रिभुज में जिस भुजा पर माध्यिका है उसका वर्ग घटाना है, बाकी दोनों जो अन्य भुजाएं हैं उनके वर्ग का दुगुना क्या कर देना है, जोड़ के उसमें घटा देना है बस, अर्थात एडी, एडी बराबर क्या हो जाएगा, अन्य दो भुजाएं बी और सी है, इस पर माध्यिका नहीं है, ओके ध्यान समझिए, यही जिसे ट्रायंगल है आपका, ये ट्रायंगल मान लीजिए पी है, ये क्यू है, ये आर है, ठीक ना, अभी क्या है माध्यिका है, क्या है माध्यिका, या ए है ए मान लो, क्या मान लो ए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, अलग से बना दे रहा हूँ, यही ना ये माध्यिका है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब एडी की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, वही लिख रहा हूँ, जो एडी बराबर एक बटे दो अंडर रूट
अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल का दुगुना, दो बी स्क्वायर प्लस दो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देख रहे हैं कि नहीं आप, ये जिस भुजा पर माध्यिका है उसका वर्ग घटाना है, बस याद रखिएगा। अब इसी को आर ओ आर आर क्या लिख सकते हैं, ये दोनों दो कॉमन है, लिख सकते हैं कि एक बटे दो अंडर रूट, अंडर रूट दो कॉमन कर लेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फार्मूला जब यूज करेंगे तो अगर इस पर बल रखेंगे जल्दी आ जाएगा आंसर, ठीक। दोनों पहले बताइए, देखिए यहाँ पे दो, यहाँ पे आप दो, दोनों में कॉमन ले लिया गया बस। तो सुनिए अब इसको बताएं कैसे, किसी त्रिभुज की माध्यिका, किसी त्रिभुज की माध्यिका ध्यान दीजिएगा, कहेंगे अंडर रूट में, अंडर रूट में अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल का दुगुना, अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के दुगुना में से जिस भुजा पर माध्यिका है उसका वर्ग घटाना है और वर्ग में रहेगा, फिर जो आएगा उसका आधा कर देना है बस। अब इतना बड़ा कौन लिखे आपको समझ में आना चाहिए बस। तो ये हो गया। अब यहाँ से अगर हम बी ई निकालें, बी ई यहाँ से अगर हम बी ई पूछे तो क्या होता होगा आप लोग बता देंगे ना सेम। अरे भैया देखिए फिर से ट्रायंगल बनाता हूँ, फिर से ट्रायंगल बना देता हूँ, ये ट्रायंगल है ठीक, ये क्या है ए है, ये बी है, ये सी है, इस पर ये क्या है माध्यिका है, माध्यिका ये ई है। अब ये ए सेंटीमीटर है, ये बी है, ये सी है, जिस भुजा पर माध्यिका है उसका वर्ग घटाना है, बस ये याद रखिएगा। तो आप करेंगे क्या, यहाँ से कर देंगे एक बट्टे दो अंडर रूट दो ए स्क्वायर प्लस दो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो। देखिए बी ई, बी के सामने कौन सी भुजा है, बी है, इसका वर्ग घटाया जाए। अब इसी को ओ आर आर इस टाइप लिख सकते हैं, एक बटे दो अंडर रूट, अंडर रूट दो कॉमन हो जाएगा तो कर लेंगे दो कॉमन, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरी माध्यिका आ गई। अब तीसरी माध्यिका निकाल लेंगे इसी टाइप, कहेंगे क्या सी एफ, सी एफ देखिएगा, कहेंगे सी एफ इक्वल टू क्या, बता सकते हैं कि नहीं। फिर से बनाता हूँ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना दे रहा हूँ, एक क्या बना दे रहा हूँ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ये क्या है ए है, ये बी है, ये सी है ठीक। यहाँ से इस पर क्या है माध्यिका है, ध्यान दीजिएगा ये माध्यिका है, इसको बराबर हम बांट दी, ये हो गया, ये ए सेंटीमीटर है, ये बी सेंटीमीटर है, और इस क्या है सी है ओके। ये दिखा गया, देखिए इसमें यही इसके सामने वाली भुजा सी के सामने वाली भुजा सी है, माने है ना। तो आप क्या करेंगे एक बटे दो अंडर रूट टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, खत्म लिखेंगे एक बटे दो अंडर रूट टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसी को ओ आर आर लिख सकते हैं, एक बटे दो अंडर रूट टू, एक बटे दो अंडर रूट टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ब्रैकेट बंद करके माइनस सी स्क्वायर, ये ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी। तो इसको नोट करिए आप, इसको नोट करिए। अभी दो प्रॉपर्टी है और है, अगर डाट पूछ लेगा कि समकोण त्रिभुज में सबसे छोटी माध्यिका किस पर होती है, तो कर्ण पर होती है, समकोण त्रिभुज में सबसे छोटी माध्यिका कर्ण पर होती है, और समबाहु त्रिभुज में सभी माध्यिकाएं बराबर होती हैं, इसको लिखवाना है। तो अगर यहाँ पर जगह होगा लिख देंगे, दिख रहा है नहीं, देखिए एक बार ठीक हो जाएगा, लिख दें। अब चौथी प्रॉपर्टी अब अलग है, चौथा स्पेशल में स्पेशल है, स्पेशल देखेंगे क्या, लिख दीजिए कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर सबसे सबसे छोटी छोटी माध्यिका माध्यिका होती है, होती है।
पांचवा क्या लिखेंगे आप? समबाहु त्रिभुज में समबाहु दिख रहा है जी, समबाहु त्रिभुज में सभी माध्यिकाएं सभी माध्यिकाएं बराबर होती हैं, बराबर होती। अब क्यों होती है ध्यान सुनिएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अभी आपको बताया कि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पर सबसे छोटी माध्यिका होती है, इसलिए समकोण त्रिभुज में कर्ण पर सबसे छोटी माध्यिका होती है। फिर हम लिखवाए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में सभी माध्यिका बराबर होती है, क्यों होती है? कोई पूछेगा क्यों होती है तो क्या बताओगे? कहोगे क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए उनकी माध्यिकाएं बराबर होती हैं। ठीक, अब देखिएगा ये किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे जहां काटती हैं वही क्या कहलाता है? वही केंद्रक कहलाता है। ये सब बताया गया ना, ये सब बताया है। ये केंद्रक है, क्या है ये? केंद्रक है। इसे नोट कीजिए। अब इस पर आधारित हम क्वेश्चन बताऊंगा, ध्यान से एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। पहले इसका नोट लीजिए, आप पहले से नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिए। देखिए एक बार आपको हम रिवाइज करा दे रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। किसी भुजा को बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है, किसी भुजा को बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। माध्यिका का गुण क्या है? कि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पर सबसे छोटी माध्यिका होती है और सबसे छोटी भुजा पर सबसे बड़ी माध्यिका होती है। इतना क्लियर? समकोण त्रिभुज में सबसे छोटी माध्यिका कर्ण पर होती है, समबाहु त्रिभुज में सभी माध्यिकाएं बराबर होती हैं, क्यों? क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, इसीलिए उस पर सबसे छोटी माध्यिका होती है। ठीक, माध्यिका की लंबाई होती है 1/2 अंडर रूट उन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग का दुगुना जिस पर माध्यिका नहीं है, माइनस उस भुजा का स्क्वायर जिस पर माध्यिका है। ठीक, तो इसे आप नोट कर लिए होंगे। अब आपको बताऊंगा इस पर आधारित क्वेश्चन, ठीक ना? चलिए देखिए अब आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक ना? दिया है क्वेश्चन में त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर 13 सेंटीमीटर, एसी बराबर 14 सेंटीमीटर तथा बीसी बराबर 15 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं ज्ञात कीजिए तथा सबसे छोटी और सबसे बड़ी माध्यिका भी बता दीजिए, बताइए कौन सी माध्यिका सबसे छोटी है, कौन सी सबसे बड़ी है। इसके लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक आपको बताए हैं कि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पर सबसे छोटी माध्यिका होती है, सबसे छोटी भुजा पर सबसे बड़ी माध्यिका होती है। सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल देखिएगा, एक ट्रायंगल आपका एबीसी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये ट्रायंगल, ठीक। ये ट्रायंगल ए है, ये बी है, ये सी है। इसमें करा ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर, अर्थात ये आपका 13 सेंटीमीटर है। बी सी बराबर ए सी बराबर 14 सेंटीमीटर, ये आपका 14 सेंटीमीटर है। और बी सी बराबर 15 सेंटीमीटर, ये आपका 15 सेंटीमीटर। किसी त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं होती हैं। माध्यिका क्या होती है आप बताए हैं? किसी भुजा को बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा ही माध्यिका कहलाती है। जैसे अगर यहाँ से हम इस भुजा को बराबर भागों में बांट दें तो ये माध्यिका कहलाएगी। अब इसका नाम देता हूँ डी, क्या देता हूँ? डी। ओके, देखिएगा यहाँ से जो ये भुजा है बी से अगर सामने वाले भुजा पर माध्यिका डाल दें, इसको मान लेता हूँ ई, ये इसको बराबर भागों में बांट दी, ये इसको बराबर भागों में बांट दी, ठीक। ये दोनों माध्यिका हो गई। अब तीसरी माध्यिका क्या होगी? तीसरी माध्यिका जो होगी यहाँ से होगी, यहाँ से इसको मान लेता हूँ एफ, क्या मान लेता हूँ? ये इसको बराबर भागों में बांट दी। अब माध्यिकाएं जब एक दूसरे को जहाँ काटती हैं उसे क्या कहते हैं? केंद्रक। ये सब बताया गया है। देखिएगा अब यहाँ पे आपको ए डी बी ई और सी एफ निकालना है। कैसे निकालना है? फार्मूला आपको हम पीछे बताएं, एक बार फार्मूला लिख दे रहा हूँ कि माध्यिका बराबर जो होता है माध्यिका जो ए डी से ए डी त्रिभुज ए बी सी में यदि ए डी निकालेंगे तो ये माध्यिका होता है 1/2 अंडर रूट जिस भुजा पर माध्यिका नहीं है उन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग का दुगुना माइनस जिस भुजा पर माध्यिका है उसका स्क्वायर। देखिए इस ए बी सी त्रिभुज में ए डी बी सी पर क्या है? बी सी क्या है? माध्यिका है, लेकिन इन दोनों भुजाओं पर नहीं है,
इसलिए इनकी भुजाओं के वर्गों के योग का दुगना, अर्थात आपका फार्मूला था 2 into a square plus b square plus c square minus a square, ये फार्मूला होता है माध्यिक का। ठीक, अब यहाँ से निकालूंगा मैं, यहाँ पर देखिए a बराबर क्या है 15 सेंटीमीटर, b बराबर क्या है 14 सेंटीमीटर, c बराबर क्या है 13 सेंटीमीटर। सेम यही ट्रायंगल था, बस वहाँ पे जहाँ पे 15 है यहाँ पे a था, यहाँ b था, यहाँ पे c था, इसके पीछे हम आपको बताएं। ठीक ना, देखिए जो माध्यिका होती है, माध्यिका बराबर आपको बताएं कि माध्यिका बराबर 1/2 अंडर रूट उन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग का दुगना जिस पर माध्यिका नहीं है, माइनस जिस भुजा पर माध्यिका है उसका स्क्वायर, यही होता है जो कि लिखा गया है। यहाँ से माध्यिका, माध्यिका ए डी बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यही है 1/2 अंडर रूट 2 into, देखिए बी, बी बराबर कितना है 14 के स्क्वायर प्लस 13 के स्क्वायर माइनस 15 के स्क्वायर, 1/2 अंडर रूट 2, 14 के स्क्वायर होता है 196, 13 होता है 169 माइनस 225। वर्गमूल घनमूल ये सब बताया गया है, नहीं जानते हैं तो पीछे जाइएगा प्लेस्ट में, आपको सब वीडियो मिल जाएगा। ठीक ना, अब इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2 into जोड़ देंगे 9 6 15 9 6 15 16, 2 1 3 365 माइनस 225, ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 365 दूनी क्या हो जाएगा आपका, ठीक है 2 5 10 2 6 12 13 2 3 6 7 730, 730 माइनस 225 घटा दीजिए 1/2 अंडर रूट 10 में से 5 गए 5 बाद यहाँ पर क्या बचा 2 में से, ये सही जी 2 5 10 2 3 6 7, यहाँ पर गलत है सॉरी, देखिए अगर 2 5 10 हाँ से ले 2 6 12 13 3 2 3 6 7, ठीक है अब क्या करेंगे आप घटाएंगे 10 में से 5 गए 5 यहाँ पर बचा क्या 2 में से 2 गया क्या 0 बचा यहाँ पे क्या 7 7 में से 2 घट गया आया 5 तो 505, देखिए ये किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी संख्या की स्क्वायर नहीं है, इसीलिए हम यहीं पर आंसर छोड़ देते हैं। आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी रूट वाले वैल्यू का मान निकालने का दो मेथड होता है, एक ट्रिक वाइज होता है, दूसरा भाग द्वारा होता है, जो कि आपको बताया गया है इस टाइप से 505 जो पेयर बना बनाते हैं। ठीक ना, इस टाइप से निकालना बताया गया है, इस टाइप से इसकी वैल्यू निकाल के 1/2 से गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा, यहीं पर छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका ये क्या पहली माध्यिका, सेम इसी प्रकार दूसरी निकाल लेंगे बी, इसी प्रकार क्या सी एफ निकाल लेंगे, सी एफ क्या होगा आपका बी ई बराबर 1/2 अंडर रूट, फॉर्मूले में लिख दे रहा हूँ उस पर आप लगाइएगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक ना, बी इक्वल टू 1/2 क्या हो जाएगा 2 into a square plus c square minus b square, देखिए b इस भुजा पर है तो इसका क्या हो जाएगा ये घटेगा, ये क्या होगा घटेगा, अब वैल्यू यहाँ पे है रख के साफ कर देंगे। ठीक ना, एंड सी एफ बराबर हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा ए स्क्वायर 2 into a square plus b square minus c square, इसके पहले आप फॉर्मूला एक बार जरूर देख लीजिएगा पीछे वाले, ठीक ना, पीछे नोट कर लीजिए। हाँ, इसमें कुछ और पूछा है, तथा सबसे बड़ी और सबसे छोटी माध्यिका बता दीजिए। चलिए देखिए, इस त्रिभुज एबीसी में सबसे बड़ी भुजा बीसी है, क्या है बीसी, क्यों क्या है 15 सेंटीमीटर, तो सबसे बड़ी भुजा बीसी है, सबसे छोटी माध्यिका क्या हो जाएगी एडी हो जाएगी, प्रॉपर्टी ऑफ माध्यिका तो जिसे बोलते हैं मीडियन। ठीक ना, तो सबसे छोटी माध्यिका क्या हो गई एडी, सबसे बड़ी माध्यिका क्या होगी सीएफ, क्योंकि त्रिभुज एबीसी में सबसे छोटी भुजा क्या है एबी है, इस पर जो माध्यिका होगी सबसे बड़ी होगी, यही आप लिख दीजिए, यहाँ पे यहाँ पर लिख दीजिएगा सबसे सबसे बड़ी माध्यिका माध्यिका सीएफ तथा सबसे छोटी
सबसे छोटी माध्यिका माध्यिका एडी है। क्यों है? प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन माध्यिका। दिख रहा जी? हाँ ठीक। तो इसका आपको जो है इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आप बताऊंगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे छोटी माध्यिका कौन सी होती है, कैसे ज्ञात करेंगे। तो जस्ट इसको नोट कीजिए आप। पहले देखिए क्वेश्चन कह रहा हूँ कि समकोण त्रिभुज एबीसी में सबसे छोटी माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि बी समकोण है, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 15 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर 17 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखिए समकोण त्रिभुज में सबसे छोटी माध्यिका जो होती है कर्ण की आधी होती है, कर्ण की आधी होती है। तो यहाँ बनाएंगे आप समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना देंगे यहाँ पे, बन जाएगा। ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, देख रहे हैं। ये क्या है? 8 सेंटीमीटर का है, ये 15 सेंटीमीटर का है, ये 17 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पर इस माध्यिका की लंबाई याद कीजिए, इस माध्यिका की लंबाई, तो माध्यिका की लंबाई क्या होगी? कर्ण की आधी होगी, कर्ण की आधी होगी। यहाँ से लिखेंगे सबसे सबसे छोटी माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर कर्ण बटे दो, यही होता है समकोण त्रिभुज में। कर्ण कितना है? 17 है, 17 बटे दो बराबर 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर। ठीक, देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आएगा लगा देंगे। यदि कर्ण नहीं दिया रहेगा तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम निकाल लेंगे, फिर आधा कर देंगे तो समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी माध्यिका आ जाएगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।